गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू राहुल रमोला व्लॉग्स। वेलकम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सो गाइज, आज मैं हूँ ओल्ड मसूरी रोड पे, एक प्रॉपर्टी जो है भरत रिसोर्ट। सो आज है देहरादून में डे टू, नवंबर 2nd। सो ये वीक डेज का टाइम है, नॉट अ वीकेंड, बट जस्ट बिकॉज आज मेरा घर का काम और पूजा के लिए मैं देहरादून आया हूँ। तो बिफोर आई चेक आउट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, आई वुड लाइक टू शो द प्रॉपर्टी इन दिस ब्लॉग, एंड देन आई विल प्रोसीड कि आगे हम जाएंगे अपना जहाँ पे मैं घर बना रहा हूँ उस साइड काम करेंगे थोड़ा सा, और देन इवनिंग तक दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो चलेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, पहले प्रॉपर्टी चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैसा है। आप भी आ सकते हो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगी मुझे, ये भी डिसेंट है, बजट प्रॉपर्टीज़ हैं एंड आप इंजॉय कर सकते हो, पीसफुल प्लेस है। सो गाइज, ये है होटल भरत रिसोर्ट, ये एक प्रॉपर्टी है और इसका सामने तक दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी टोटल, एंड ये इनका लॉन है, काफ़ी अच्छा लॉन एरिया है। आप यहाँ पे काफ़ी मतलब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, छोटा मोटा मतलब एंजॉय कर सकते हो, एंड आप फैमिली के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, कपल्स या आप दोस्तों के साथ भी आ रहे हो तो भी इट्स अ बेस्ट प्रॉपर्टी। आई मस्ट सजेस्ट इन जो भी बजट में प्रॉपर्टी सर्च आउट करते हैं। यार यहाँ पे लॉन में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, एंड इन फूलों को देख के मुझे अपने घर के जो मतलब फूल हैं वो याद आ गए मेरे। हमारे घर में भी पहले ऐसे अलग अलग टाइप के फूल होते थे, तो सेम मतलब जैसे मेरे पापा बहुत लगाते थे ऐसे फूल अपने मतलब छत के गमलों में या आसपास खेतों में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देख के, तो यादें ताजा होगी। इनके लॉन में एक सीटिंग एरियाज यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो, एक मस्ट बड़ी मतलब फैमिली लाइक ये सीटिंग एरिया है, ओपन एरिया कुछ इस तरीके से है ये ओपन एरिया, एंड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड इसके अलावा आप का ये तो एक लॉन हो गया विद प्रॉपर्टी जिसमें अटैच्ड है, और एक इनका नीचे सेकंड थोड़ा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हिसाब से एक और लॉन बनाया हुआ है, एंड साथ में इन्होंने चिड़ियाघर टाइप कुछ बनाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खरगोश के अलावा कुछ है नहीं। तो ये टोटल प्रॉपर्टी है। सो जब मैं अपर लॉन से नीचे लॉन की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे बैम्बूज़ के पेड़ हैं, आसपास काफ़ी हरियाली है, ये मस्त फूल लगे हुए हैं साइडों में, एंड कुछ इस तरीके से व्यू है नीचे के लॉन का, काफ़ी अच्छा है, ये भी टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको दो तीन दिन स्टे करना है। ओ भाई साहब, हेलो। तो काफ़ी सारे खरगोश यहाँ पे हैं, इनके साथ भी टाइम पास किया जा सकता है। तो हेलो, काटते हैं क्या? काटेगा नहीं। हेलो बेटे, कैसा है? तो सुबह सुबह 9 बज रहे हैं, लेकिन धूप बड़ी तगड़ी लग गई है एंड चमक रही है, लेकिन धूप नहीं लग रही है, बस काफ़ी लाइट फील हो रहा है। लॉन आपने देख लिया, प्रॉपर्टी आपने देख ली, अब पीछे का मौसम तो दिख ही रहा है आपको, और क्यों आते हैं यहाँ पे, यही है। सो गाइज, सामने का व्यू कुछ ऐसा है, आपको दिख जाएगा, यही रास्ता है जो सामने मसूरी के लिए जाता है, ये काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है लॉन से, तो ये व्यू आप इन्जॉय कर सकते हो। अगर मैं टेरेस पे जाता हूँ तो रात को सिटी व्यू बहुत अच्छा आता है, एंड जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये है ओल्ड मसूरी रोड, और ये इसी से लग के ये मेन गेट है भरत रिसोर्ट का, एंड ये जाएगा इधर आगे, एंड आगे जाके एक प्रॉपर्टी इधर है, एक मैंने आपको जैसे इस साइड को दिखाई, इधर को है। तो अभी धूप बहुत लगी हुई है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रहती है, धूप में चमकता बहुत है। नीचे से ये ही रोड घूम फिर के इस ब्रिज पे कनेक्ट करेगी, फिर ये जा रही है, तो ये जाके कनेक्ट करेगी जो दूसरी वाली रोड है। सामने रहा प्रकारेश्वर मंदिर, आपको दिख रहा होगा, कल मैंने दूसरी पहली वीडियो में भी दिखाया था, और वो जो टॉप पे आपको ये दिख रहा है, ये मसूरी जाने वाला मेन रूट है।
तो अभी मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। सो चलते हैं रूम की तरफ, चेकआउट भी करना है, तो तब तक आप एंजॉय करें यहाँ के नज़ारे। राइट गाइस, सो चल रहे हैं रूम की तरफ। ये एक विला मतलब प्रॉपर्टी ये रही, और एक सामने वाला रहा जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। तो चलते हैं भाई, मस्त गाड़ियाँ हैं। सो इस प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं वो शायद दिल्ली या हरियाणा से हैं। एंड अगेन मैं कहूँगा कि भाई ये गाड़ी ड्रीम कार्स, मतलब अच्छी लगी मुझे, क्यूट सी गाड़ी है, बहुत पुरानी है पर लेकिन बहुत क्यूट लग रही है भाई, मस्त लग रही है। ये तो सब रेगुलर गाड़ियां हैं, BMW एंड वॉक्स, ये वॉल्वो दिखती रहती हैं, बट ये थोड़ी यूनिक लग रही है ना, तो थोड़ा प्यारी लग रही है। सो गाइस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, जो हमारी वीडियो देखता है शेयर करो भाई, ताकि तुम्हारा भाई भी ये गाड़ियाँ ले सके। अभी तो भाई अपन लोग सामने अपनी गाड़ी से खुश है, कोई नहीं, जो भी है अपनी मेहनत की गाड़ी हो, अपनी मेहनत का घर हो, खुशी उतनी होती है, फीलिंग ऑलवेज वही रहती है लाइक अ रिच, क्योंकि वो खुद की मेहनत की गाड़ियाँ हैं। सो गाइज ये है भारत रिसोर्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं टॉप वाला इस साइड का मैंने रूम, यहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। सो आई थिंक इन्होंने घर को कन्वर्ट किया प्रॉपर्टी में, और अब और भी बिल्ड कर रहे हैं जैसे सामने, तो ये टोटली मतलब एक उस टाइप का है, क्या बोलते हैं, होम स्टे टाइप जो हम कहते हैं, क्योंकि हाँ प्रॉपर्टी अच्छी है, आप आ सकते हैं। सो गाइस फाइनली बैक टू रूम, और अब रूम टूर तो जिसने करना है वो जाके मेरी पहली वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें मैंने रूम टूर तो करवाया ही है। एंड अभी मुझे चेकआउट करना है तो टाइम नहीं है मैं रूम टूर करवा पाऊँ। हाँ थोड़ा बहुत नज़ारे दिखा देता हूँ आसपास के। सो रूम की बालकनी से और विंडो से बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, बालकनी और ये नज़ारे, आई होप आपके अच्छे लग रहे हों। एंड अगर आपको पार्किंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो ये पूरी पार्किंग है, इधर तक काफ़ी लॉन तक पार्किंग रहेगी। सो गाइज अभी मेरा काम भी है, तो मैं वो काम निपटाने जा रहा हूँ, तो चलते हैं होटल से चेकआउट करते हैं। ऑलराइट गाइज, टाइम हो गया है इस प्रॉपर्टी से विदा लेने का, तो चलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या, अभी निकलते हैं यार, तो चलते हैं सर। ठीक है सर। ओके सो चलो गाइज चलते हैं फटाफट। अभी मैं पहुंचा हूं FRI के सामने, एंड ये है FRI का मेन गेट, एंड अभी भी यहां से आई थिंक 10 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा।
राइट गाइस, सो ऑलमोस्ट लोकेशन के आसपास पहुंच गए हैं एंड कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में भी जाना है। यहीं पंडित जी भी आ गए। ओके, सामने बैठे हुए हैं सारे। सो चलो जी, काम करते हैं। चलो गाइस, चलते हैं। कैसे सर? सो गाइज, फाइनली हमारा काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो पंडित जी आ गए हैं, पहले पूजा करेंगे, फिर उसके बाद काम, जो हमारा जो फाइनल नक्शा प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, फाइनली पूजा तो नहीं करी हमने आज। आज हमने कराया छोटा मोटा जो हमारा स्टार्टिंग होता है सॉइल टेस्ट, क्योंकि एक्चुअली जो मैंने मैप बनवाया था मकान के लिए, वो मैप में डायरेक्शंस का कुछ दिक्कत है, तो हमने दोबारा से नाप किया। अभी दो दिन में फिर नक्शा तैयार हो जाएगा, और दो दिन इस महीने में ऑलमोस्ट जो बेसिक बेस फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर फाउंडेशन जैसे कंप्लीट हो जाता है तो वो पूजा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में फाउंडेशन बनने के बाद। आई थॉट कि वो मतलब वो पूजा अभी से होती है, लेकिन वो पूजा अभी से नहीं है, ये बेसिक था जो सॉइल टेस्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो आज हमने जो भूमि पूजन करवाना था वो भूमि पूजन आज नहीं हुआ। आज हमारा भूमि का निरीक्षण हुआ, जो फर्स्ट स्टेज होता है। तो निरीक्षण में क्या होता है, अगर मैं 11 लैंग्वेज में बात करूँ तो सॉइल टेस्ट होता है। हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक, फाउंडेशन कम्प्लीट हो जाएगा और विद इन 3 to 4 months मकान भी कम्प्लीट हो जाएगा। एंड देन तो मैं बाद में बताते रहूँगा आपको। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली, क्योंकि अब क्या करना है, यहाँ पे आज का काम हो गया, निपटा दिया। तो यहीं से अभी मैं हूँ शिमला बाईपास रोड पे, एंड यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली। सो गाइस, दिन के 3 बज गए हैं और लंच का टाइम हो गया है, और मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया हूँ, और मेरे को कहीं अब रास्ते में, तो मैं मतलब अब मेरे को दिल्ली पहुँचना है, तो थोड़ा जल्दी निकलना था क्योंकि ताकि हम रेस्ट कर सकें, कल ऑफिस भी जाना है। तो बस खाना पैक करवाया और अब यहाँ थोड़ा सा छाया मिली मेरे को, ये जंगल वाला रास्ता जो सहारनपुर वाला है, तो अब वो आराम से गाड़ी में बैठ के लंच इंजॉय कर रहे हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट गाइस, सो लंच हो गया है, और ऐसी जगह पे रुक के लंच करने का मजा ही कुछ और है, सच बताऊं। तो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, और ट्राई करते हैं जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने का। पहुंचना तो गुड़गांव है, आप जानते ही हैं, और आज तो गाड़ी का अलाइनमेंट भी थोड़ा सा, ये सामने जो बन रहा है ना, ये है देहरादून एक्सप्रेस वे, ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, और मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, यू कैन चेक आउट। तो चलते हैं। सो गाइस, सामने देखो भाई, भाई ने पूरी मतलब गाड़ी को सजा दिया, मतलब जैसे दिवाली में घर सजाते हैं।